वाराणसी के नाटी इमली में लगा गर्म कपड़ों का मेला, जहां के आयोजक तौसीफ ने बताया कि वाराणसी में हर जगह मुख्य आकर्षण बनारस शिल्प मेला 2024 प्रदर्शनी शिल्प मेला हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम प्रदर्शनी बनारस शिल्प मेला, जिसमें देश के हर राज्य से एक दुकान बुलाई जाती है, जहां सारी वैरायटियों के सामान भी उपलब्ध होते हैं, जैसे कि कश्मीरी साल और स्टॉल, रजाई, कवर, चादर, सोफा, कुर्सी, स्वेटर, महिलाओं को आकर्षित करने वाली सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। इस वक्त हम वाराणसी में नाटी इमली में उपस्थित हैं। हमारे साथ इस वक्त आयोजक जी हैं मेले के, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर परिचय। मेरा नाम तौसीफ है, मैं यहाँ का आयोजक हूँ। यहाँ पे हम बनारस में जगह जगह प्रोग्राम लगाते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जगह हमारे यहाँ पे जो दुकान आती है सभी जगह की आती है। हिंदुस्तान की हर एक ब्रांड, हर एक जगह की अपनी अपनी चीज़ फेमस होती है, जैसे कश्मीर की शॉल सूट। ये कितने वर्षों से आप मेला जून लगा रहे हैं? 20 वर्षों से यहाँ पे मेला लगता है, फिलहाल हम तो यहाँ पे 5 वर्षों से लगा रहे हैं जी। ये जो मेला लगाते हैं इसमें क्या क्या वैरायटी होती है जो प्रदर्शन? यहाँ पे हर एक वैरायटी होती है, जो चीज़ चाहिए कि हर एक चीज़ फेमस होती है, जैसे आगरे का पेठा हुआ, बनारसी साड़ी हुई, और लुधियाने का कम्बल, कश्मीर की शॉल, और सहारनपुर का फर्नीचर, ये सब वगैरह यहाँ पे, केरला का तेल, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। यहाँ पर जो किस किस राज्य से लोग आते हैं? हर राज्य से एक दुकान बुलाते हैं हम, सिर्फ एक दुकान हर राज्य से बुलाते हैं यहाँ पे। जी ठीक है। मेरा नाम शिवानी वर्मा है। कहाँ से आई हूँ मैं? तो यही लोकल बनारस से ही हूँ। ये क्या, ये ज़ारा सेट जो भी है ये कोलकाता से आया हुआ है, हम लोग मंगाते हैं और यही आके यहाँ पे सेल करते हैं। ये सारा हैंडमेड है या? हैंडमेड भी है और मार्केटिंग का भी ऐसा होता है, वो सब भी रिटेल भी मिलता है। ये आप पहले भी लगा चुकी हैं कि? नहीं, यहाँ फर्स्ट टाइम है। गौरव जी, ये प्रोडक्ट जो ले आते हैं कहाँ से ले आते हैं? दिल्ली से और लुधियाना से। जी, ये प्रोडक्ट को आप लोग जो ले आते हैं वो कितने वर्षों से ले आ रहे हैं? करीब हो गए 20 वर्ष। इसके पहले भी कहीं लगाया आपने? हाँ, हर जगह स्टेट के करते प्रोग्राम, अलग अलग स्टेट, राजस्थान, गुजरात, MP, हिमाचल, हर जगह के। इसके पहले जो लगाया आपने कहाँ पे लगाया? राजस्थान, उदयपुर। हूँ टोनी ब्राउन, हमारा ब्रांड है लेदर का, सारा इशू सीरीज हमारा है। ये हमारा देखिए बैग है टोनी ब्राउन का, यहाँ पे सिर्फ 1500 रुपये में मिल रहा है, और इसकी जो फ्लिपकार्ट पे वैल्यू होगी 70% डिस्काउंट करके 3750 रुपये में। सारा प्रोडक्ट होलसेल रेट से हमारा मिल रहा है, सारा जेन्युइन लेदर होगा, 100% जेन्युइन लेदर होगा, बेस्ट क्वालिटी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को ऑल इन प्रोडक्ट साबित कर देता है लेदर नहीं है, तो 50,000 रुपये का कंपनी इनाम दे रही है, और लेदर की 100 साल तक गारंटी कोई भी साबित कर दे। ये जो मेला है, मेला जो कराया गया है, ये मेला कितने साल से चल रहा है? ये मैम मेला जो है करीब 10 साल से चल रहा है। ये जो आपके कितने राज्यों में ये प्रदर्शनी लगती है मैम? ये वैसे अब सीजन में जो बारिश छोड़ के बाकी ऐसे लगती रहती है, जैसे 8 मंथ है तो 8 ही जगह लग पाएगी महीने में। अच्छा, हाँ, साल में 8 जगह तक हो पाती है, 8 से 10 जगह जी। ये जो मेला लगा है ये मेला कितने वर्षों से लग रहा है? ये तो बहुत पहले, मतलब कम से कम 15-20 वर्षों से लग रहा था कंटिन्यू। हम लोग भी आते हैं कश्मीर से, इसमें लगाते हैं हम लोग, मतलब लखनऊ से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे ये सब लोग आते हैं, अपना लगाते हैं स्टॉल। आप किस चीज़ के स्टॉल लगाए हैं? ये हम कश्मीरी प्रोडक्ट लेकर आए, हम लोग खुद बनाता है, खुद बेचता है अपने हाथों से, हमारा माँ बहन लोग ये सब, मतलब इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है, ये सूट के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वो खुद करते हैं हमारे माँ बहन लोग, हम लोग जेंट्स लोग कपड़े बनाते हैं। हाँ जी जी, ये जो भी है मेला लगाते हैं आप, ये कश्मीर से लेके आते हैं? कश्मीर खुद अपना प्रोडक्ट है, ये सब कश्मीरी प्रोडक्ट है। शॉल, आप कहाँ के हैं? कश्मीर पहलगाम के। शॉल मिलेगा, स्वेटर मिलेगा, पश्मीना शॉल, सेमी पश्मीना सूट वगैरह मिलेगा, स्टॉल मिलेगा, ये चीज़। कितने वर्षों से लगा रहे हैं? हम 15 से कम 17-18 वर्षों से हम लोग यहाँ आते हैं बनारस लगाने के लिए। इसके पहले हमने वो संकुल में भी लगाया, वहाँ छोड़ के फिर यहाँ आए। का हैंडीक्राफ्ट है, इसमें ए टू जेड हमारे पास घरेलू सामान विद सोफ़ा, फर्नीचर, झूला वगैरह ए टू जेड करके यूज़ किया, और अदर सारा सामान मिलेगा। सहारनपुर का स्पेशल कारविंग की आइटम होती है।
ये कितने सालों से लगा रहे हैं? हम यहाँ पे बहुत सालों से आते हैं और अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, बहुत अच्छा सामान आता है और फुल गारंटी के साथ में दिया जाता है और उसमें घूम दिमाग के हर तरीके हमारी पूरी गारंटी होती है जी। ये ख़राब होने के लिए जी हम सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, सहारनपुर से आते हैं और हर साल सीजन में यहाँ पर रहते हैं, दो तीन महीने यहाँ पे बनारस में रहते हैं। तो ये आप बनाते हैं कि अपना घर वाले? खुद कुछ हमारा सामान मैन्युफैक्चरिंग खुद का होता है, कुछ बाहर का रहता है, ठीक है। ऑल अगर सब कुछ अगर मैन्युफैक्चरिंग का तो बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ता है। ये कितने दिनों के लिए मेला जो लगा हुआ है? ये एक महीने का है, एक महीना रहेगा, 30 दिन। एक महीने तक ये मेला लगे जी, एक महीने के लिए रहेगा। उसके बाद कहाँ लगेंगे? उसके बाद तो अभी फिर अभी आगे से मालूम पड़ेगा, तो तब किधर का ये बिक जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है बनारस में आगे।